तुमने खाना खा के थोड़ा वेट बढ़ाया वेट घटाने की बात है, पर ये वाला जो आपने खाया इससे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्दी कुकिंग था और दूसरे ये था कि थोड़ा थोड़ा सा। तो आज बात करनी है वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस। वेट लॉस जिसको देखो वो वेट लॉस कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सबने वेट गेन कर रखा है। मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबेसिटी। लेकिन वेट लॉस को लेकर इतना कंफ्यूजन है, जब से सोशल मीडिया पर तमाम एक्टिविटी बढ़ी है तब से तो और ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर सोचना है कि बेचारा, तो इतने सारे ऑप्शन है कि वो एक ट्राई करता है दूसरा ट्राई करता है फिर अल्टीमेटली वो कंफ्यूज होकर छोड़ देता है कि चलो देते हैं। तो शिवाजी ने मुझे कहा कि हेल्दी वेट लॉस, वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस लोग क्यों करते हैं? स्पेशली जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है उसको करते हैं कि अच्छे दिखे। तो अच्छे दिखना वेट लॉस का कोई एक बहुत अच्छा गोल नहीं है कि हम अच्छे दिखे। अच्छे दिखने से मतलब है कि जीरो फिगर हो या सिक्स पैक एब्स हो या हमारे बाइसेप्स, उसके पीछे जो भागते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हेल्दी चीज है। उसका भी अगर एक बैलेंस्ड तरीके से किया जाए कि वेट लॉस भी प्रॉपर हो और अच्छे दिखे भी, तो शायद वो ठीक होगा। लेकिन अगर आप उसका गोल ये बनाते हैं कि हम हेल्दी रहें, हेल्दी का मतलब क्या है? अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अपीयरेंस कि वो ऐसे दिख रहे हैं, वो बात नहीं है। अगर कोई ओवरवेट है और कोई ओबीज है तो इसका मतलब क्या है कि वो बीमारियों के लिए प्रोन, इज प्रोन टू डिजीजेस। कौन सी डिजीजेस? जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस है, क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, क्योंकि फैक्टर्स वही है जिससे वेट बढ़ता है, उन्हीं फैक्टर से, उन्हीं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर से बीमारियां मिलती हैं। तो हेल्दी वेट लॉस का मतलब है कि आपका वेट लॉस इस तरीके से हो कि आप इन बीमारियों से भी अपना बचाव करें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए फूड तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो समझना है कि वेट लॉस का ये जो पूरा मामला है वो क्या है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, कैलोरीज, फिर उन कैलोरीज को हम यूज करते हैं फॉर एक्टिविटीज। तो वो जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें कैलोरी बर्न होती है। सीधे सीधे पैसे वाला हिसाब किताब है कि आपने कितना अर्न किया और कितना खर्च किया, जो बच गया वो आपका सेविंग है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, जो बच गया वो सेविंग रही है, वो फिर प्रॉब्लम है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा जिस तरह का वेट है, हाइट है, जैसा हमारा वर्किंग हैबिट है, हम सेडेंटरी हैं या थोड़े से एक्टिव हैं या बहुत एक्टिव हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए। तो जो भी हमारा कैलोरी इनटेक है उसका कैलकुलेशन के बहुत सारे फॉर्मूला है, उसको आप उनसे आप देख सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपका वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करो 22.4 से, वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई वेट 22.4, और उसके बाद जैसा आपका ऑक्यूपेशन है, क्वेश्चन अगर आप सेडेंटरी हैं तो मल्टीप्लाई विद 1.25, थोड़ा लाइट एक्टिव है तो 1.5, मॉडरेटली एक्टिव है तो 1.25, ऐसे करके अगर आप बहुत एक्टिव हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो जितना वो प्रोडक्ट आएगा उतनी कैलोरी आपको रोज चाहिए। अब जो कैलोरी आपको चाहिए और जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसका जो बैलेंस है इस तरीके से है कि आप जितना इंटेक आपका रिक्वायर्ड है उससे 500 से 1000 कैलोरी आप ज्यादा बढ़ जाए, जो हमने लिया 500 से 1000 कैलोरी अगर डेली बेसिस पर हम बर्न कर रहे हैं तो हफ्ते में आधा से एक किलो वेट लॉस हो जाता है। बड़ा सिंपल था फॉर्मूला। अब इससे क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे अभी उन्होंने बात की फैट फ्री खाने, ये जो फैट फ्री खाना है इट इज नॉट नेसेसरी हेल्दी। ये हमारा उपाय जरूर है, ये बहुत से उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल किसी डिजीज की वजह से या किसी डॉक्टर ने उनको कह दिया कि आप फैट मत लो, बट इट इज हेल्पफुल। बट एक्चुअली फैट थोड़ा सा चाहिए, खाने में चाहिए। और हम तो जब किसी को कुकर प्रमोट करते हैं तो हम ये नहीं कहते इसमें फैट फ्री खाओ, वैसे इसमें अगर अदरवाइज आप बना रहे हो 4 चम्मच तेल डालना है तो इसमें 1 चम्मच में हो जाता है, तो थोड़ा फैट भी लेना चाहिए।
तो अब होता क्या है कि जो हमने कैलोरी हमने ली और जो बर्न की उसका किस तरह से होना चाहिए, बर्न की वो हमने ज्यादा की, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या होगा, स्टोर नहीं, और स्टोर जब नहीं होगी तो वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वेट कैसे बढ़ता है, जो भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं वो हमारे शरीर में फैट के शक्ल में स्टोर हो जाता है। अब द थिंग इज नॉट एज सिंपल एज दिस कि केवल कैलोरी हमने कैलकुलेट किया और वेट हमारा बढ़िया मैच, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल है कि हम हेल्दी हो बीमारियों से, तो उसके लिए और चीजें जरूरी है। एक तो जो खाना हम खा रहे हैं उसमें क्या खाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैट लेना है तो ये नहीं कि फैट कितना लेना है वो इम्पोर्टेंट नहीं, आई मीन इम्पोर्टेंट है बट दैट इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा फैट लेना, कार्बोहाइड्रेट लेना है कम लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट कौन सा लेना और रेशियो क्या होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का रेशियो हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं तो किस तरीके से लें, कौन सी चीज खाएं कौन सी चीज ना खाएं। तो इसमें जो एक बड़ा एक कॉमन चीज है जिसको आप सब लोग कर सकते हैं कि पहले तो अपनी डाइट को चेक करना है कि उसके अंदर ये जो बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर बैलेंस क्या होता है, 40-50% जो कैलोरी है कार्बोहाइड्रेट, 30-40% कैलोरी प्रोटीन से आनी चाहिए और 20-25% तक कैलोरी फैट से आनी चाहिए। तो अगर इतना फैट से आनी चाहिए तो इसका मतलब है कि फैट लेना होगा, है ना। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा लेना, उसमें आपको देखना पड़ेगा सिंपल शुगर, जैसे भी शक्कर चीनी नहीं डाल रहे हैं, फ्रूट जूसेस से खाना बना लेते हैं, तो ये क्यों, वाई, बिकॉज जो सिंपल शुगर होती है उसके अंदर एक चीज होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी अगर आपने उसको खाया तो आपके ब्लड में शुगर तुरंत बढ़ता है, और शुगर बढ़ने से एक चीज होती है जिसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बींग ओवरवेट और बींग ओबेस। तो हमको खाने में ऐसा ध्यान देना है कि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ने रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा शुगर लें, ऐसा कार्बोहाइड्रेट लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। आप देखिए आपके बगल में चावल रखा हुआ है, लो जीआई राइस है, ये इसलिए है कि इसको आप खाएंगे तो उस ढंग से वेट नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल शुगर के बजाय हम कॉम्प्लेक्स शुगर लें। कॉम्प्लेक्स शुगर कहाँ होती है, ग्रेन्स में होती है, जो अनाज होता है उसके अंदर होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, तो वी हैव टू अवॉइड। फिर आते हैं फैट के ऊपर, फैट ऐसा हम लें जिसके अंदर हमको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिले। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, इसका एक प्रॉपर रेशियो हमारे खाने में, प्रॉपर रेशियो क्या है, 1:6 इज द आइडियल रेशियो, कि अगर एक हिस्सा ओमेगा 3 है तो उसके ये 6-6 पार्ट उसके ओमेगा 6 होने चाहिए। नॉर्मली हमारे डाइट में क्या होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:100 होता है, 1:70 तो बिल्कुल एक नॉर्मल है जो डाइट में होता है। तो अब हमको फैट ऐसा लेना है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, और उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सा सॉल्यूशन है, कोल्ड वाटर फिश से निकाला गया ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे पास नीचे। इसके साथ अगर हम मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं जिसके अंदर ओमेगा 6 होता है, और वो कहां पर मिलता है, बेस्ट उसका सोर्स है नॉन रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल अगर नॉन रिफाइंड है तो बेस्ट है, अगर आपको ऑलिव ऑयल मिल सकता है नॉन रिफाइंड तो दैट इज बेस्ट। उसके साथ आपने ओमेगा 3 कंबाइन किया, दैट मेक्स दिस रेशियो ऑफ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 हेल्दी, और इस फैट को जब हम लेते हैं तो प्रोटीन बढ़ाना है डाइट, प्रोटीन कैसा बढ़ाना है जो इजिली डाइजेस्टेबल हो। बहुत सारा प्रोटीन ले लिया डाइजेस्टेबल नहीं है तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, ऐसा हो कि थोड़ी सी मात्रा हम लें और हमको प्रोटीन भी पूरा मिल जाए डाइजेस्टेबल भी हो। इसके लिए हमारे पास ऑल ब्रांड प्रोटीन पाउडर, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं मटर और सोयाबीन से बना हुआ 80% प्रोटीन है, इसके 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, इजिली डाइजेस्टेबल है बिकॉज इसके अंदर जो अमीनो एसिड कंटेंट है वो ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इस तरह से हमको ये नहीं देखना कि हम खाना कम से कम तो खाना ही, कैलोरी तो देखनी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, ऑलरेडी जो खाना है जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है वो और कम हो गया तो क्या होगा,
वेट लॉस तो हो सकता है, बट वो वेट लॉस के साथ आप हेल्दी नहीं हो रहे हो, आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। तो हेल्दी वेट लॉस का मतलब है कि वेट लॉस इस तरह के हो कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आप बीमारियों से बचे। और ऐसा जो वेट लॉस होता है धीरे धीरे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत तेज नहीं होता, फास्ट नहीं होता। तो ग्रेजुअल वेट लॉस होगा, हेल्दी वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज का रोल है। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल यंग लोगों में जिम जाते हैं, जिम में बड़ा वर्कआउट करते हैं, एक दो दो घंटे वर्कआउट करते हैं। यू आर वर्किंग आउट एक्सेसिवली बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो होगा क्या, वेट लॉस तो हो सकता है, वाटर पहले लॉस होगा, फिर मसल लॉस होगा, फैट लॉस बाद में होगा। जब आप वर्कआउट एक्सेसिव कर रहे होते हैं और न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते तो बड़ी तेजी से वेट लॉस होता है, बिकॉज यू लूज वाटर, फॉलोड बाई दैट यू लूज मसल मास, एंड देन यू लूज फैट का नंबर बाहर करना। हेल्दी वेट लॉस में फैट लॉस पहले होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना कि स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तो आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्ट्रेस, तो वेट बढ़ेगा। बिकॉज एक चीज होती है ना स्ट्रेस में, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा खाते हैं तो बस्ट दैट स्ट्रेस। दूसरी चीज होती है नींद, ये भी देखना है कि प्रॉपर नींद हमें आ रही है, अच्छी नींद ले रही है। तो कुल मिला के जो हेल्दी लॉस का जो पैकेज है वो ये कि इसमें इन चीजों का भी आप ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज लाइट माइल्ड एक्सरसाइज इज गुड एनफ। और एक चीज और भी है कि अगर केवल आप एक्सरसाइज से वेट लॉस करते हो तो वो केवल 1% होता है, केवल डाइट से आप वेट लॉस करते हैं तो दैट इज ओनली 9%। तो सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डाइट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, साथ साथ स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी जरूरी है, साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि नींद अच्छी आ रही है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इस तरह से जब आप करेंगे तो जो चेहरा है ना आपका, वो फेस, उसके ऊपर जो एक ग्लो होती है हेल्थ की, वो होगी। यू मे नॉट हैव सिक्स पैक एब्स, यू मे नॉट हैव अ जीरो फिगर, बट यू विल लुक गुड बिकॉज यू विल बी हेल्दी। सो आई थिंक दैट्स एनफ।